नमस्कार दोस्तों, आज मैं कचौड़ी बनाने जा रही हूँ। ये आलू हैं उबले हुए, ये मैंने आलू उबाल लिए हैं और इसमें हम कचौड़ी बनाने में हम डालेंगे 7 हरी मिर्च, 10 की लहसुन की पोती और 1 प्याज और धनिया। मसाले अभी मैं ऐड करूँगी तो हम इसे काट लेते हैं। अब हम मसाले डाल रहे हैं इसमें। ये 1 चम्मच सूखा धनिया, स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच से कम लाल मिर्च, 2 चुटकी हींग और आधी चम्मच गरम मसाला और आधी चम्मच काली मिर्च, और ये हमने हरी मिर्च और लहसुन और मिर्च ये हमने पीस लिया, वो कर लिए, कटर कर लिए और हम आलू में अपने इसमें डाल देंगे। और इसमें मसाले ऐड कर देंगे, सूखा धनिया, नमक, मिर्च, हींग, गरम मसाला, काली मिर्च और हम इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। कचौड़ी को अब हम बनाने जा रहे हैं। कचौड़ी 2 तरह से बनती है, मैं 2 तरह से बनाना सिखाऊंगी आपको। हमने आटा लिया और आटे को ऐसे रोटी की तरह डाल दिया। इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे ऐसे और फिर इसको डिप कर देंगे धीरे धीरे से ऐसे। तो पहले मैं हाथ से बनाने सिखाऊंगी, फिर उसके बाद चकला बेलन से ऐसे धीरे धीरे थोड़ा सा सूखा आटा लेंगे और ऐसे ऐसे कर लेंगे। देखो अब हमारी कचौड़ी बन के तैयार। अब हम धीरे धीरे से सेक करें। अब इतना ये हो जाएगी, इसको हम दूसरी तैयार कर लेंगे। ऐसे इसको दूसरी हम चकला बेलन से बनाएंगे नीचे को ऐसे। इसको हम कढ़ाई में डाल देंगे। देखो हमारी ये कचौड़ी तैयार। कचौड़ी तैयार कर ली है, अब हम डाल देंगे। अब हम धीरे धीरे सेक कर अब हमारी कचौड़ी तैयार हो चुकी है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे एक प्लेट में।
धीरे धीरे ऐसे। हमारी कचौड़ी बनके तैयार हो चुकी है हरी चटनी के साथ। इसमें चटनी के साथ अच्छी लगी है तो लाइक करें। इसे काट दो। कचौड़ी हमारी तैयार हो चुकी है और ये हरी पुदीने की चटनी के साथ हम खाएंगे। और अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।